हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इस टॉपिक के अंतर्गत अभी तक हम कुछ नियम पढ़ चुके हैं। आगे आज हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें एक नया नियम लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो नियम है, ये जो रूल है, ये अपने को क्या कहता है। देखते हैं, ये नियम कहता है कि सपोजिशनल सेंटेंसेस प्राय, इफ, एज, इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, ही विशेज, सी विशेज, एटसेट्रा से शुरू होते हैं। इससे कोरी कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है। समझ में आ गया होगा। देखिए, ये बात ये है कि सपोजिशनल सेंटेंसेज क्या होते हैं। सपोजिशनल सेंटेंसेज ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई ना कोई हम कल्पना करते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बताता है, कल्पनात्मक स्थिति होती है इसमें। तो ये सेंटेंस कौन कौन से वर्ड से शुरू हो सकते हैं, हमें कैसे पता चले कि ये सपोजिशनल सेंटेंस है, ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है या नहीं है। तो इसका पता लगाने का सिंपल सा तरीका है कि यदि सेंटेंस की शुरुआत में क्या दे दिया गया हो, इफ दे दिया गया हो, एज इफ दे दिया गया हो, एज दो दे दिया गया हो, इफ ओनली दे दिया गया हो, है ना, सपोज दे दिया गया हो, आई विश दे दिया गया हो, वी विश, ही विशेष, सी विशेष, एटसेट्रा, ऐसे कोई शब्द अगर दे दिए गए होते हैं, इनसे शुरू होते हैं, तो इनसे कोरी कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है। यानी ऐसी शर्त जो कि असंभव है, जैसे इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना। तो इफ आई वर, मैंने क्या कहा, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। तो इफ आई वर यानी कि मुझे पता है कि ये क्या है, कोरी कल्पना है, असंभव शर्त है, है ना। तो इनसे इनका बोध होता है। तो इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट का प्रयोग क्यों न हो। किसी भी, इन शब्दों के बाद किसी भी नंबर, चाहे सिंगुलर नंबर हो, चाहे प्लूरल नंबर हो, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, कोई सा भी पर्सन हो, कोई सा भी नंबर हो, फिर भी प्लूरल वर्ब वर्क का ही प्रयोग होगा। ध्यान दीजिए, इन वर्ड्स के बाद हमेशा वर, जो वर्ब है उसी का प्रयोग होगा। इसके अलावा आर, हैव, इनका कोई प्रयोग नहीं होगा। वास वगैरह तो खैर आएंगे नहीं वैसे भी, तो ये इसमें ध्यान में देने वाली बात है, क्योंकि इनमें कल्पना की जाती है। एक ऐसी असंभव शर्त का बोध होता है कि जो कि पूरी होना मुश्किल है। जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देके स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, आई विश मनीषा, कोष्टक में वॉज वर माई वाइफ, काश मनीषा मेरी वाइफ होती, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, एक असंभव सी चीज़ है, हो सकता है संभव हो जाए, लेकिन एक कोरी कल्पना है। कहने वाले को यूँ लग रहा है कि मनीषा मेरी वाइफ नहीं हो सकती। तो यहाँ हमने देखा कि क्या दिया गया है, विश वर्ड दिया गया है, विश, आई विश, यानी मैं ये विश करता हूँ, मैं ये इच्छा रखता हूँ। तो आई विश दिया गया, इसलिए आई के साथ यहाँ पे वोज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर आएगा। इधर देखिए, इफ ही वोज वर, दोनों में से एक लगाना है, माई बॉस, ही वुड सस्पेंड मी, यदि वो मेरा बॉस होता तो वो मुझे सस्पेंड कर देता। इसका मतलब वो मेरा बॉस अभी नहीं है, कल्पना की है मैंने कि मेरा बॉस होता तो ठीक है। ये क्या है, एक कल्पना है, कोरी कल्पना है। तो कोरी कल्पना कैसे पता चला, इफ से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, इसका मतलब कोरी कल्पना है। तो ही के साथ वैसे तो टेंस के हिसाब से तो हम वोज लगाते हैं, लेकिन ये इफ की वजह से यहाँ पे क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा, बिकॉज हियर द सब्जेक्ट इज इमेजिनिंग ए सिचुएशन। यहाँ जो सब्जेक्ट वो एक सिचुएशन की इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, तो यहाँ पे वर आ जाएगा। आगे देखिए, रमन टॉक्स टू मी, रमन मेरे से बातचीत करता है, कैसे करता है, एज इफ, क्या आ गया, एज इफ, जैसे कि वो मेरा बॉस हो। रमन मेरे से कैसे बात करता है, जैसे वो मेरा बॉस हो, मेरा बॉस हो। तो कहने का तात्पर्य है कि वो मेरा बॉस नहीं है, वो रमन का बॉस नहीं है, इट मीन्स सॉरी सब्जेक्ट का बॉस नहीं है, रमन
सब्जेक्ट का बोस नहीं है, जो भी सब्जेक्ट है कहने वाला उसका बोस नहीं है। तो ये क्या है, कोरी कल्पना है, और कोरी कल्पना होने की वजह से यहाँ पे ही के साथ क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। ऐसा एक उदाहरण मैं यहां लिख देता हूं, इधर से अपन ले लेते हैं, आई विश, मैं कल्पना करता हूं या मेरी इच्छा है, आई विश आई द प्राइम मिनिस्टर, PRIME प्राइम मिनिस्टर, MINISTER मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। देखिए कल्पना है, हूं नहीं, होता, तो आई के साथ फिर से टेंस के हिसाब से बोस लगाते हैं ना, यहां पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक रूल था जो कि आज हमने पढ़ा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।